वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही मैसेज से डलवा दिया था। हाँ जी, तो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एक मीन का ही सब्स्टिट्यूट है। अगर हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, तो वही तीन टाइप की सीरीज में हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सीरीज नंबर वन, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन ऊपर आएगा और समीशन वन बाय एक्स, वन बाय एक्स मतलब डेटा का रेसिप्रोकल का सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में रहेगा और उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में हार्मोनिक मीन आ जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आपके पास में जो एक्स डेटा है ये है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 10, 12, 10, 12 और आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला आपके पास में रहता है एन डिवाइडेड बाय समीशन वन बाय एक्स। तो आप वन बाय एक्स आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वन बाय एक्स आपके पास में क्या आएगा, 1/4। तो आप कैलकुलेटर से निकाल लें, एलसीएम वगैरह भी लेके कर सकते हैं, 1/4, 1/5 फिर समीशन ऑफ दिस वन, और आप उसको रहने दीजिए। डेटा छोटा तो यहां पे एलसीएम पॉसिबल है, 1/4 0.25 0.20 1/6 0.16 0.10 1/12 0.08 ये। अब इसका आप सम करेंगे, समीशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.16 प्लस 0.10 प्लस 0.08 तो 0.79। और आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास में, 5 है और रिजल्ट आपके पास में 0.79। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 0.79, रिजल्ट आपका है 6.32। तो ये आपके पास में क्या है, ये हार्मोनिक मीन है। नेक्स्ट देखेंगे जरा डिस्क्रीट सीरीज में, आपके पास में एन डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ बाय एक्स, तो आपको एफ बाय एक्स करना है यहां पर, समीशन एफ बाय एक्स। तो आप एफ बाय एक्स करेंगे, चलिए मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि 1/x मल्टीप्लाई बाय एफ हो जाएगा ना आपका, आप समझ नहीं रहे। पहले आप इंडिविजुअल सीरीज की तरह करें, क्या करते हैं डेटा का रेसिप्रोकल करते हैं आप, फिर कंटिन्यूस सीरीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बच्चे, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं सब बता देता हूं आपको, क्वेश्चन कहां से आएगा उस पर ही बात करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, फ्रीक्वेंसी है, 1/x का एक बना देते हैं और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही चीज में। ये आपका एफ है। अब देखिए 1/x आप निकालेंगे, तो 1/x आपके पास में 1/10 0.10 दो डिजिट लीजिए, 1/15 0.06 लीजिए, 1/20 0.05, 1/25 0.04, 1/30 0.03 f 1/x।
पॉइंट टू, पॉइंट जीरो सिक्स इंटू, पॉइंट जीरो सिक्स इंटू फाइव, जीरो पॉइंट थ्री, पॉइंट जीरो फाइव इंटू फोर, जीरो पॉइंट टू, पॉइंट पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन, जीरो पॉइंट थ्री सिक्स, पॉइंट जीरो थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय फाइव, जीरो पॉइंट वन फाइव दिस वन। अब आपके पास में क्या चीज, समीशन एफ बाय एक्स भी कहते हैं इसको, कि मल्टीप्लाई करोगे ना तो एफ बाय एक्स हो जाएगा। क्या रिजल्ट रहा आपका, पॉइंट टू प्लस पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट टू प्लस पॉइंट थ्री सिक्स प्लस पॉइंट वन फाइव प्लस वन पॉइंट टू वन। सॉल्व करेंगे आप इसको, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू एन अपॉन समेशन एफ बाय एक्स। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आपके पास में, दो पांच सात, सात और चार ग्यारह, नौ बीस और पांच पच्चीस, तो एन आपका ट्वेंटी फाइव है, वन पॉइंट टू वन। एंड हार्मोनिक मीन का आपका रिजल्ट क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 1.21, 20.66, ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझे इस चीज को, कोई डाउट। कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन कंटिन्यूस सीरीज, ये समझ में आ गया आपको। अब कंटिन्यू सीरीज की बात करेंगे तो कुछ नया नहीं है इसके अंदर। क्यों क्यों नया नहीं है, क्योंकि बस आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा आपका एक एब्सोल्यूट गिवन नहीं है, अगर आप डेटा की बात करेंगे तो आपको डेटा को आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कंटिन्यू सीरीज का मिड वैल्यू से आता है। उसके बाद आपको उस डेटा का वन बाय एक्स करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको एफ एक्स करना है, एफ बाय एक्स। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू 15 और 10 का गैप है ना, तो सब में 10 का गैप, 25, 35, 45, 55, ये मिड वैल्यू हो गया आपके पास में। अब मिड वैल्यू के बाद आपके पास में एम है, तो आप 1 अपॉन एम बोल दीजिए इसको, क्योंकि वो डेटा की जगह यूज हो रहा है, 1 अपॉन एम। तो सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 15, 0.06, 0.04, 0.02, 02। हाँ जी, सॉल्व करेंगे आप 1 डिवाइडेड बाय 45, 0.02, 1 अपॉन 55, 0.01। अब आपको इसको f से मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो f बाय m हो जाएगा, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 15, 0.9, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 20, 0.8, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 30, 0.6, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.2, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.05। समीशन करेंगे, 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस
0.05 प्लस 2.55। आगे देखेंगे आप इसको, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू समीशन दिस एन बाय समीशन एफ बाय एम। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू एन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास में, पांच पांच दस तीन चार सात और ये आठ 80। तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2.55 एंड हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2.55 तो 31.37। ये आपका आंसर है हार्मोनिक मीन। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं हम कुछ हार्मोनिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर साइड्स 200 किलोमीटर ईच एट द स्पीड ऑफ द 200 400 एंड 600 एंड द 800 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यूज द करेक्ट मीन टू फाइंड द एवरेज स्पीड। यूज करेक्ट मीन, सभी सब सारे मीन होते हैं, एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है, सारे मीन होते हैं, बट कह रहा है करेक्ट मीन यूज करो। तो करेक्ट मीन आपको यूज करना है, तो ऐसे केसेस में जहां पर टाइम और डिस्टेंस की बात हो तो यहां पर करेक्ट मीन क्या यूज करेंगे आप, ऑलवेज आप हार्मोनिक मीन यूज करेंगे यहां पर, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यूज द करेक्ट मीन टू फाइंड द एवरेज स्पीड द वेरीफाई द योर रिजल्ट। चलिए करें जरा इस क्वेश्चन को, करेंगे। देखिए बच्चे, एवरेज स्पीड क्या होता है पहले आपको यह समझना होगा। एवरेज स्पीड का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि हार्मोनिक में क्वेश्चन कभी आता तो एवरेज स्पीड पे ही आता है। बात करते हैं एवरेज स्पीड। हां जी, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि आप किसी, आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैं यहां से हरिद्वार जा रहा हूं। अब जाहिर सी बात है कि मैं बीच में कई बार स्लो हो जाऊंगा, कई बार रेड लाइट पे रुक जाऊंगा, कई बार मैं चाय पानी के लिए रुक जाऊंगा, बहुत सारा समय मेरा स्टॉपेज पे भी कंज्यूम होगा और मैं बहुत सारा समय में मोशन में भी रहूंगा, चल भी रहूंगा, ट्रेवल भी कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा। अब गाड़ी भी चला रहा हूं मैं, अब बीच बीच में मैं रुक भी रहा हूं, तो मैं यहां दिल्ली से हरिद्वार पहुंच गया तो मुझे कोई टाइम लगा। अब उसके बाद मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, रुक रुक के करा है, कभी तेजी में करा है, कभी स्लो करा है, बट एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल करा और डिस्टेंस मेरा बच्चे मेरे पास में है, आपके मन में एवरेज स्पीड का मतलब क्या आ रहा है? आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं हरिद्वार गया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आया, तो एवरेज स्पीड क्या है? तो आप ये सोचेंगे 60 से गया 40 से आया, एवरेज वो भी स्पीड का, तो स्पीड का एवरेज क्या हो जाएगा, 100 / 2 तो 50। ये गलत आंसर है। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता स्पीड का एवरेज। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं कि चलिए मान लीजिए मुझे 10 घंटे लग गया हरिद्वार जाने में, टाइम कितना लग गया 10 आवर, और मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 500 किलोमीटर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, अभी 10 घंटे जो मेरा टाइम है ये सिर्फ वाला टाइम है जिसमें मैं मोशन में था, मैं जहां पे ब्रेक ले रहा था इसमें वो टाइम कंसीडर नहीं करते हैं हम, टाइम में सिर्फ उसी टाइम को लेते हैं जिसमें कि हम मोशन में हो रहे होते हैं। तो मैं मोशन में मेरे को 10 घंटे लग गए, और उसके बाद डिस्टेंस जो मैंने टोटल ट्रेवल करा है वो मैंने करा है 500 किलोमीटर। तो मेरे टाइम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा मुझे पहले वो पता होना चाहिए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब टाइम के पे मैं अपने डिस्टेंस को इक्वल शेयर कर देता हूं, अपने टोटल डिस्टेंस को, टोटल जो टाइम लिया है उस टाइम में इक्वली शेयर कर देता हूं, तो टाइम के एक यूनिट पे कितना डिस्टेंस शेयर होगा। क्या कह रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस को
को मैं टोटल टाइम पर शेयर कर देता हूं, तो क्या आया 500 किलोमीटर का डिस्टेंस और मैं 10 घंटे में ट्रेवल करा, तो प्रत्येक घंटा 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं, इसका मतलब ये पर आवर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एवरेज स्पीड यहां पर समझ में आ गया है कि एवरेज स्पीड के लिए दो चीज चाहिए कि भैया डिस्टेंस कुल कितना ट्रेवल हुआ और उसमें टाइम कितना कंज्यूम हुआ। आप अपने टाइम के हर यूनिट पे डिस्टेंस को इक्वल इक्वल बांट दो, तो जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका एवरेज स्पीड होगा। ये बात समझे, क्लियर है? अब अभी मैंने आपसे यहां पर एक बात कहा था, और भी कुछ बातें समझ लीजिए आप जरा। डिस्टेंस निकालते हैं कैसे हैं, मैं आपसे एक साधारण सी बात पूछ बोलता हूं कि मेरी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है? ये स्पीड है। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि मैंने 2 घंटे बाइक चलाई है, 2 आवर, ये क्या है? टाइम है। तो बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिल्कुल मैंने मेंटेन रखा, 2 घंटे तक बाइक चलाई है, कितनी दूरी पहुंच गया हूँ? आप बोलेंगे 120 किलोमीटर। तो मतलब कि क्या है, आपका डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि कोई भी एक चीज निकालेंगे तो ऑलवेज डिस्टेंस ऊपर आएगा, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस ऊपर आएगा। तो ये बात आप एक समझ लीजिए कि डिस्टेंस निकालना है, तीन चीजें हैं, डिस्टेंस है, टाइम स्पीड है। डिस्टेंस निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है बाकी दो चीजों को, और उसके अलावा डिस्टेंस के अलावा कुछ भी निकालना है, डिस्टेंस हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। स्पीड निकालना है डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, टाइम निकालना डिस्टेंस ऊपर, स्पीड नीचे। ये बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपके मन में वो सवाल सवाल ही रह गया। ये यूपीएससी के प्री में सवाल आया हुआ है, ये क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हैं 40 किलोमीटर, बहुत पहले आया था लेकिन आज की बात नहीं है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप लौट करके वापस आते हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या है? तो आपने क्या करा था, 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 और आप 50 आंसर। अरे भाई टोटल डिस्टेंस क्या ये 60 और 40 टोटल डिस्टेंस है क्या? ये टोटल टाइम है, ये कुछ भी नहीं है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो डिस्टेंस को आप कंसिडर कर लीजिए कि डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस आपका एक्स किलोमीटर है। मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूं इन सवालों को, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा शॉर्टकट से बच्चे, कोई मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा इस बैच में, इसलिए आपको सब कुछ सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड ही। हाँ जी, तो आपके पास में ये डिस्टेंस हो गया, तो टाइम कैसे निकालो, पहले टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स गया और एक्स आया, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम गया एक्स किलोमीटर इस स्पीड से, तो कितना टाइम लिया होगा उसने, एक्स किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आता है ना, आते वक्त का टाइम, डिस्टेंस कितना आया एक्स और इस स्पीड से, तो आते वक्त का टाइम, सेम डिस्टेंस में टाइम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आपको आई? तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। आइए मैं अपने सवाल पर अब आपको लेकर चलता हूं, इतनी जानकारी बहुत है उम्मीद करता हूं। अरे यार क्या कह रहे हो सर, नो वॉइस, कितनी देर से, कितनी देर से भाई वॉइस नहीं है, बड़ी ऊर्जा समझाया है, बताएं जरा आ रही है वॉइस या नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? मैं घबरा गया यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोप्लेन एक स्क्वायर ले लेते हैं सर, लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर की साइड्स 200 किलोमीटर है, तो एक एरोप्लेन चक्कर मार रहा है 200 किलोमीटर, ये है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और किस स्पीड से राउंड ले रहा है, रोटेशन ले रहा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। ए से बी पॉइंट के नाम मैं प्लॉट कर देता हूं, ए बी सी और डी, स्क्वायर की तरफ चल रहा है ना, तो ए से बी किस स्पीड से गया, 200 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी किस स्पीड से गया, 400 किलोमीटर पर आवर, और एक 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, और एक हमारे पास में क्या आया, 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चे? तो ये मेरे पास में क्या है,
ये मेरे पास में आ गया यहां पर डिस्टेंस। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। हाँ जी टाइम, तो यहां पे कितना टाइम लगा इसे बी में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। बी से सी में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 200, बट स्पीड क्या रही 400। कितना डिस्टेंस लगा 200, बट स्पीड क्या रही 600। अगले 200 किलोमीटर का डिस्टेंस को किस स्पीड से 800, तो इतना टाइम लगा, सेम डिस्टेंस है बट स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम डिफर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 800 अपॉन, एलसीएम लेंगे आप तो 2, 4, 6, 8, 12, 2400 एलसीएम आएगा, क्लियर है। तो आप सॉल्व करेंगे 2 से 12 पर, 12 से ये आपके पास में 12 और 12 दूनी 2400 प्लस 6 1200 4 800, 8 3 पे 600, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 800 अपॉन, सॉल्व करेंगे आप यहां पर तो आपके पास में 2400 प्लस 1200 प्लस 800 2000 3000 और ये 5000/2400, तो 2400 रेसिपल हो जाएगा अपॉन में 5000, 2020 2020 10 10 रह जाएगा ऊपर, ठीक है 10 रह जाएगा। अब करेंगे 24 × 5 से 24 × 80 कर दीजिए सीधा, 24 × 80/5 384 एंड एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 384 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आया आपको, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? करिए जरा इस क्वेश्चन को, डन बच्चों। चलिए देखिए जरा, अ मैन ट्रेवल बाय अ कार 3 डेज, ही कवर द 480 किलोमीटर ईच डे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, हर एक दिन कितना चलता है वो 480 किलोमीटर एक दिन में, तो तीन दिन में कितना चलेगा, तीन से मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। पहले दिन कितना चला, 480 किलोमीटर चला पहले दिन, वही है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑन द फर्स्ट डे ही ड्राइव फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे चला 48 की स्पीड से, तो कितना चला 480, तो वही बात आ गई। खैर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, कितना चला वो टाइम, कितना चला पहले दिन 10 घंटे चला, दूसरे दिन कितने घंटे चला, ऑन द सेकंड डे ही ड्रॉ द 12 आवर्स, बस 12 घंटे चला, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है। तीसरे दिन कितना चला 12 आवर्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट डे ही ड्रॉ द फॉर 15 आवर्स, बस खत्म। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 480 मल्टीप्लाई बाय 3, मत करना मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में इजी रह जाएगा, 27 और 10 37। ठीक है बच्चे, कोई डाउट, और आपका यहां पर एवरेज स्पीड आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, वही आपके पास में कि 1 अपॉन एक्स को आप फिर डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डब्ल्यू बाय एक्स आप निकालेंगे, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आपके पास में डिस्टेंस गिवन है, आपके पास में स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस का सम कर लो, नहीं समझे, द किशोर ट्रेवल्स, डिस्टेंस गिवन है और आपके पास स्पीड गिवन है, स्पीड और डिस्टेंस 900 किलोमीटर एंड एन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 3000 किलोमीटर बाय शिप एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 400 किलोमीटर बाय एरोप्लेन 350 किलोमीटर पर आवर, इसको ये आपका एक वेटेज है, तो वही आप एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्म लगाएंगे, क्या करेंगे, इसका सम करेंगे डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का सम करेंगे तो क्या आएगा, समीशन ऑफ डब्लू कितना है हमारे पास में 39 और ये 400 4300, तो समीशन ऑफ डब्लू अपॉन, अब आप क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 1 अपॉन टाइम निकालेंगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकाल के आप डिवाइड कर देना, आ जाएगा एवरेज स्पीड का तरीका वही रहेगा आपका। क्लियर है बच्चे, एंड लास्ट क्वेश्चन हार्मोनिक कवर हो जाएगा, हार्मोनिक मीन फॉर द टू नंबर, आपके पास हमेशा ध्यान रखना ये रिलेशन, ध्यान रखना पेपर में एक दो ढाई नंबर का क्वेश्चन यहां से बार बार पूछ रहे हैं, रिलेशनशिप तीनों के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इन हार्मोनिक मीन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लीजिए, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, उसका हार्मोनिक मीन निकालिए, उसका अर्थमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें और हार्मोनिक मीन निकालें, आप ये पाएंगे कि उसका ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ये रिलेशन रहता है तीनों में। तो द अर्थमेटिक मीन AM आपको गिवन है 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है 12, फाइंड द हार्मोनिक मीन, तो क्या आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन माइनस में इनटू में आपके पास में हार्मोनिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन 12 का स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन 15 इनटू में हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन क्या आएगा आपका 12 इंटू 12 अपॉन 15। क्लियर है बच्चे, समझ गए, धीरज मिश्रा क्या कह रहे हैं आप, कौन कौन है, सारे आए नहीं क्या, एंड द फाइनली हाँ 15 किलोमीटर बाय द बस,
बस भी होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बाय बस फॉर 25 किलोमीटर पर आवर दिस वन, ठीक है। डन बच्चे, टॉपिक फिनिश, हार्मोनिक मीन फिनिश। अब स्क्यूनेस वगैरह हम जो है नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे। क्या सिलेबस है बिजनेस स्टैटिक्स का भाई साहब, सलाम करता हूं। पूरे ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर सिक्स तक गारंटी आपको देता हूं कि आप पूरे के पूरे सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिक्स जितना लेंथी सिलेबस आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, आप कुछ ही पढ़ लीजिए, यह है बिजनेस स्टैटिक्स। और आपके सिलेबस से कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक टॉपिक मेंशन है कि भैया ये भी ये भी ये भी ये भी सब करवा दो, आपका सिर्फ सिलेबस है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन स्टैट्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करवाते हैं तो पूरा टेबल और सब कुछ समीशन सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर एक क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो टेबल वगैरह सब मैनेज करना होता है, और ऐसे कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, तो एक डिफिकल्ट टास्क आपके लिए है बिजनेस स्टैटिक्स। मुश्किल नहीं है, लेंथी है बच्चे। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस मतलब कल ही क्लासेस है आपकी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन तो मैं आपको करवा चुका हूं कंप्लीट, ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।